कनाडा के लोगों को इतना क्या शौक है स्किन करने का? हम ही इंडियन है बस, मेरे को अपने साथ के दो ही दिख रहे हैं जो मेरे साथ आए। क्या भाई, रुकना सिखा दे, ऊपर से आके रुका नहीं और इसमें घुस गया तो इससे ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। कोई मुझसे कहेगा ना यूपीएससी क्लियर कर दे, मैं कर दूंगा। अब मैं समझ गया ये 4 घंटे क्यों देते हैं, 1 घंटा तो वहाँ पहुँचने में लगेगा। कनाडा के किसी भी कोने में चले जाओ, इतनी भीड़ तो कहीं नहीं मिलती, चारों तरफ गाड़ी गाड़ी। बस धूप नहीं तेज है, पर आपको ये लोग दिख रहे हैं जो इधर से ऐसे ऐसे जा रहे हैं, इधर से स्कीइंग करते जा रहे हैं ऐसे। हम ये देखो जो जा रहे हैं, हम ये चीज़ करने आए हैं आज, और हमारे साथ आए हैं 100 लोग और इन्हें अटैक कर देते हैं। बच्चे वाली पकड़ो भाई, सब स्नो शूज पहन के आए हैं इस बार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए ब्लॉग में। भाई लास्ट टाइम जहाँ हम गए थे स्की करने के लिए वहाँ तो हो नहीं पाई, तो आज हम आए हैं हॉकली वैली रिजॉर्ट में स्की करने के लिए स्पेशली। अभी यहाँ का प्राइजेस वगैरह हमने ऑनलाइन चेक किए थे तो थोड़े से ज़्यादा दिखा रहा था, अभी मैं कन्फर्म करके जब हम टिकट वगैरह लेंगे तब आपको बता देंगे कि क्या हिसाब किताब है और यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं सब कुछ। पहले हमने सोचा था घर से ब्लॉग को स्टार्ट करते, पर घर से गूंज रही है ना, पहले मैं सोच रहा था कि घर से ब्लॉग को स्टार्ट कर दूं, पर मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं करा क्योंकि कभी कभी लास्ट टाइम जैसे हुआ था ना कि वहाँ पे पहुँच गए और कुछ कर नहीं पाए थे तो फिर मेरे को बुरा लगता है, तो इस बार हम आ गए पहले उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो पूरा पानी जमा हुआ है, सिर्फ इतना चल रहा है और वहाँ पर बत्तख बैठी हुई है फुल डक। रुक जाओ, फॉर परचेज लिफ्ट टिकट्स। ये लोग आगे अपना काम कर रहे हैं, फॉर परचेज ऑफ लिफ्ट टिकट ओनली। इधर दिखा रहा है कि इसमें कि यहाँ पे स्की का सामान वगैरह भी रखा हुआ है वहाँ भी, और यहाँ पे लोग कर भी रहे हैं अच्छी खासी। ये मतलब इधर से कहीं से नीचे आ रहे हैं, इधर से नीचे से आ रहे हैं और उधर से फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर दोबारा इधर से आ रहे हैं। अब बहुत जगहों पे क्या होता है भाई, मैं टोपी देख लो भाई, सबने एक जैसी सेम टोपी खरीदी थी $25 की, तो बहुत जगह पे सीन क्या होता है कि लिफ्ट की टिकट और स्की की टिकट अलग खरीदनी पड़ती है। अब जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ है फिर देख लेते हैं कि हिसाब क्या है। इतनी भीड़ आती कहाँ से कनाडा में? क्या कह रहे हो भाई, यूट्यूब पे वीडियो देखना हाउ टू स्टॉप और हाउ टू टर्न। अगर मैं ऊपर से आऊंगा तो मैं तो इसमें घुस जाऊंगा। लोग ऊपर से आके इधर मुड़ रहे हैं ना, हम तो रुक नहीं पाएंगे तो इसमें घुस जाएंगे ना। नाइस, अभी अभी देखते हैं। ये भाई तो वीडियो देख के पूछ रहा है कि इसे। भाई लास्ट टाइम जब हम बाहर निकले थे घूमने के लिए तब वीकेंड था, तो हमें लगा था कि ज़्यादा भीड़ चक्कर में है, पर आज हम बाहर आए हैं, आज मंडे है पर आज कनाडा में फैमिली डे है तो सबकी छुट्टी है, तो इस चक्कर में सब लोग बाहर है। मुझे तो समझ नहीं आता, चल हम तो इंडियन से, ये कनाडा के लोगों को इतना क्या शौक है स्किन करने का? कोई जगह खाली नहीं है, ये सारे अभी तक मेरे को इंडियन नहीं दिखे हैं यहाँ पे सही से, मतलब इंडियन तो सच में अभी तक एक भी नहीं दिखा, दिखेगा तो बताऊंगा। हम ही इंडियन है बस, मेरे को अपने साथ के दो ही दिख रहे हैं जो मेरे साथ आए। अबे साले तभी बाकी तो ये सब लोग यहीं के लग रहे हैं। ये देखो ये हमें घर पे दिखाने के लिए अच्छा गए, अब मैं पता करके आता हूँ इतने क्या सीन है। चलो जल्दी फटाफट पहनते हैं ये सामान वामान। भाई देखो अब आए हैं तो कैंसिल नहीं होगा कुछ भी, करना है तो करना है, बात खत्म। और सब देख रहे हो सब यहाँ पे विंटर जैकेट में घूम रहे हैं, तुम्हारा भाई एकदम घर की हुडी पहन के घूम रहा है जो इंडिया में पहन के घूम रहा था। हॉट ही इतने हम लोग, चश्मा कहाँ गया? कैन आई हैव माय चश्मा ब्रदर? ओह माय गॉड, वाओ। बेटे देख रहे हो अब मैं स्की नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ पे लोगों से बात करूंगा, आज मैं पीआर लेके घर जाऊंगा। भाई ये फॉर्म भर रहा है, अब बोलना। पोल्स भी इसमें शूज हमारे पास है, हेलमेट लेने पड़ेंगे, स्की लेनी पड़ेगी, पोल्स लेने पड़ेंगे और ये स्नोबोर्ड। क्यों स्की लोगे या स्नोबोर्ड, एक ही चीज़ तो लोगे? स्नोबोर्ड पे चल के आएगा, स्की करेगा? गुड क्वेश्चन, ये अलग अलग होते हैं क्या? और क्या, अच्छा ठीक है। स्नोबोर्ड इज डिफरेंट थिंग, स्की इज डिफरेंट थिंग। ओके, इज डिफरेंट इन ईच लैग, स्नोबोर्ड इज सिंगल। आप ही करके आए हो ना, घर वालों को नहीं बताया ना आपने?
मैं भी ये देखते हैं सकता है ये फॉर्म भरना है, तीन लोगों के फॉर्म भरने हैं। अच्छी राइटिंग किसके वो भरेगा? ऋषभ या आपनी? मैंने कहा अच्छा भरो। अच्छा ओहो फोन रखना पड़ेगा अब तो, पहले टोपी रख देते हैं। मैं तो फुल ऐसे स्कीइंग करूँगा जैसे ये बंदा कर रहा है ना, इससे कम तो कर ही नहीं सकता मैं कुछ, इतना इसी तगड़े तरीके से करूँगा। भाई मैं फॉर्म भरूंगा, अभी दो ही पेन है इसलिए एक ऋषभ भैया यूज़ कर रहे हैं, एक दीपू भैया, और $90 के आसपास का हिसाब किताब है, अभी एग्जैक्ट बता रहा हूँ। Five. So then you can have the full time because there's no, it's not cheaper if you. So we'll start by one for sure. Sorry? We'll start by one. Yeah. So if you want, fill those up and keep them, and then at 12:45 we start selling tickets. So. And we can have, maybe all things or what do we want? Well, like, either skis or snowboard. Skis. Okay. So then you get included in that cost. It's helmet, poles, skis, and boots. भाई ये बच्चे कितने मस्त तरीके से घूम रहे हैं ना, और वो जो उस लड़के का, वो उस लड़के के हाथ में क्या कह रहे थे, वो स्नोबोर्ड है और ये जो पैरों चल रहे हैं ये स्की है, ये डिफरेंस है। ऋषभ ये कह रहे थे भाई क्या भाई रुकना सिखा दे, ऊपर से आके रुका नहीं और इसमें घुस गया तो बच्चा देख भाई सब बढ़िया कर रहे हैं, देख रहे हो क्या मस्त मस्त आ रहे हैं। हाँ तो भाई इस चीज़ का सीन ये है कि $90 प्लस टैक्सेस, मतलब ओ $90 इंक्लूडिंग टैक्सेस, सब कुछ $90 में, गेयर वेयर सब कुछ ये देंगे, और टाइमिंग 4 घंटे की मिलेगी। तो जैसे सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा तो 1 बजे तक, फिर 1 से 5 तक ऐसे बैच चलते हैं इनके, तो हम 1 से 5 वाले में अपने पैसे वैसे देंगे और जो भी रेंटल का सामान है सब कुछ ले लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 11:30 के आसपास, तो हमें 1.5 घंटा इनको देख के खुश होना है, फिर हम खुद करके कुछ होंगे। ये इन्हें करना नहीं आता, हम भी ऐसे हाथ हाथ पकड़ के, जैसे मान लो बच्चा दीपू भैया मैं उठा रहा हूँ कितना रुक कैसे रही है, बस ये सीख लो हम इसलिए ऋषभ भैया इसमें घुस जाएंगे, हमें पक्का भरोसा है। अरे ये तो इनकी टीम वाला है कोई प्लस प्लस लेके, हाँ ये टीम वाले हैं, वहाँ भी देखे थे मैंने बोरे। हम ये सीख रहे हैं कि ये लोग ऊपर से आके रुक कैसे रहे हैं। हाँ यार ये तो बहुत तगड़ी चीज है, इससे सीख लो क्या ए छोटू छोटू भाई, जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए बॉन फायर फुल आग जला रखी है, यहाँ से बैठ के व्यू भी देखते रहो। मैं तो कह रहा हूँ हमारे आने में 1 बजे में बहुत टाइम है, हाथ तापते हैं और घर चलते हैं। दो टिकट लो, तुम कर पाओगे मैं फिर टिकट लेकर जाऊँगा। अरे नहीं नहीं मजा आएगा, अरे नहीं अरे कोई गिरता वो भी तो दिखना चाहिए वीडियो में। मैं तो कह रहा हूँ फुल हाथ वाथ तापते हैं और घर चलते हैं वापस, घर पे तो आग जला नहीं पाते, यहाँ पे जला ली हाथ तापो घर चलो भाई सब। पर पता है मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, इधर से सबसे जो छोटे छोटे हैं वो आ रहे हैं, इधर से थोड़े बड़े, इधर से जो ज़्यादा हैं, और इधर से जो एक्सपर्ट्स हैं। मतलब इधर से तो बिल्कुल ही स्ट्रेट है, मतलब ऐसे है एकदम, देख सकते हैं ना डिफरेंस। भाई ये वाला तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, पर इसमें आने नहीं देंगे, जैसे वो आ रहा देख रहे हो। पर यहाँ पे भीड़ एज कम्पेयर टू उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ब्रैम्पटन में थी, मतलब ब्रैम्पटन से कंपेयर तो करना भी नहीं चाहिए, बट अभी तो पहले हाथ तापते हैं 1.5 घंटा, उसके बाद चले गए। क्यों उस पर भी नहीं करने देंगे उधर वाले पे? क्यों वो बच्चों ये वाले उनके लिए जो परफेक्ट हैं लोग। अच्छा गिरे हुए लोग जितना अभी तक समझ में आया हम उस पर जाएंगे, पर देखते हैं। अभी पिज़्ज़ा मंगा रही है आंटी, बाय टिकट ले लिया। ओए और ये हमारा रेंटल का जो स्की का सामान लेंगे, कौन सा है? नहीं ये वाला स्की का है, स्की का चुपका दी, और ये हमारे जैकेट्स पे लगेंगे, ये सारी जैकेट वाले। यस ये आज की डेट और टाइमिंग वाइमिंग। भाई हमारे पास तो ग्लव्स थे, भैया के पास नहीं था, दिखाना। ये $75 समथिंग के दिए, पर क्वालिटी बहुत अच्छी है, चेन बंद कर लो भाई। यहाँ से सामान लेंगे अपना रेंटल का, भाई यहाँ पर कोई है नहीं, अपने आप ही अपना साइज़ निकालो और पहन लो, टिकट्स विकेट्स हैं हमारे पास, और फिर वहाँ से वो स्की का सामान दे देंगे। पहन के देख लेते हैं कौन सा आता है पहले। हम तीनों को सेम ही आएगा तो सब एक ही पहन के देख लेते हैं। 8.5 पहन कि 8 पहन है। A few moments later. भाई जूते देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोनॉट बन गया हूँ मैं। देख ऐसे
अरे ऐसे गिरेगा ही नहीं। अरे भाई बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है। और पता है सीन क्या है, इन्हें पहनना इतना मुश्किल है ना, लाइफ में कुछ भी कर लेना पर ये नहीं पहन पाओगे भाई। 9 नंबर लिया तब भी गुजरे हैं मैंने पैर। अब यहाँ से जूते ले लिए, अब यहाँ से स्की का सामान लेंगे। पानी 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 पी लिया भाई पानी। अब यहाँ से ये सामान लेंगे स्की का और चलेंगे। भाई साहब ये ब्लू कलर का पूरा एक हेलमेट और ये जूते। भाई भाई लाइफ में ये वाले जूते पहनना सबसे मुश्किल काम है, इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। कोई मुझसे कह रहा है पैसे क्लियर कर दे मैं कर दूंगा, बट ये जूते नहीं पहन सकता मैं। भाई साहब इतने टाइट है, इतने टाइट जब पहनने में, अब तो ठीक है पर पहनने में इतने मुश्किल हैं। अभी उसने बोल दिया कि आपको वो पोल्स नहीं चाहिए जो हाथ में पकड़ते हैं ना, तो वो नहीं चाहिए। उसने कहा पहले ऐसी प्रैक्टिस करो, अगर चाहिए होंगे तो बाद में आ जाना। अभी देखते हैं प्रैक्टिस क्या गिरते पड़ते अभी, पर अब सही है मैं एक खासे वीडियो बना सकता हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि वीडियो कैसे बनाऊंगा और क्या करूँगा, बट अब एक खासे वीडियो बन जाएगी। चलो फटाफट पहनते हैं पहले इनको। भैया वगैरह अपना सामान लेने गए अंदर, हम इधर में तैयार होते हैं। इस कुत्ते को भी करा देंगे। भाई ये देखो ऐसे ऐसे पहनते हैं इनको। ये अंदर सीख के आए हैं अभी, तो मैं पहले इनके दिखा दूँ कैसे पहन रहे हैं, मैं भी देख लूँ। आगे पैर डाला और दबा दिया, वो नाइस। मैं पता है मैं पकड़, ये लो ग्लव्स पहनो, ऐसे खड़े होना है ऐसे। ये यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा है घंटा, ऐसे खड़े होना है। मैं ही पहन के आता फटाफट से, फिर बात करूंगा। ओ भाई भाई ये तो इजी सा है, इसमें ऐसे पैर रखना है बस और इसको ऐसे सेट करके देते हैं। हाँ तो सीन क्या होता है, तो सीन क्या होता है कि वो अंदर से साइज सेट कर देते हैं आपका, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ पैर रखो और दबा दो। पर भाई बहुत ज़्यादा फिसल, भाई बहुत, ये तो चलो कैसे, अच्छा ऐसे ऐसे ओ वो तेरी क्या कह रहे हो क्या ऐसे खड़ा हो रहा भाई साहब, इसे पहन के जो ऊपर से आएंगे ना, मतलब एक परम सुख प्राप्त हो जाएगा। मैं तो पका के यहाँ नहीं आने का। गाइस पैर खुल गए। ओए यार कोई बात जा रहा हूँ, चलो बैग लगा और लाइन में चलते, लाइन में आ जाओ जाओ जाओ। चलो गाइस लाइन में लगेंगे, पर लाइन तक पहुँच जाऊँ बस, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। गाइस ये लाइन है यहाँ से उसमें बैठने के लिए, मैं तो उसमें से कूद जाऊँगा रास्ते में, मैं यहीं से वापस भेजता हूँ। गाइस मुझे पता था कि वो एडवांस वाला है और बिगनर वाला अलग है, बट मैं कहा चल ठीक है चुपचाप लाइन में लग जाते हैं। से हेलो। तो भाई मैं कहा शायद निकल जाएंगे तो ऊपर पहुँच जाएंगे, ऊपर से तो नीचे आ ही जाएंगे, चाहे इसके बल पे आए जाओ हाथों के बोला है, बट उसने हमें देख के पहचान लिया, कहीं बाहर आओ। मैं कहा चलो भाई बेइज्जती कर दी। ब्रो नो स्मार्ट वर्क, हाथ में लेके चलो। थक गए तो अब मैं समझ गया ये 4 घंटे क्यों देते हैं। 1 घंटा तो वहाँ पहुँचने में लगेगा। भाई मैं तो यार रुक ही नहीं पा रहा, नीचे तक कैसे जाऊँगा। और शायद दीपू भैया ऋषभ भैया को रोक लिया है कि तुम इसमें नहीं आ सकते, तो मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। ये बिगनर साला नहीं है, बिगनर साला कोई और था। वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, पर नीचे चलते हैं बना के देखें, गिरेंगे तो गिरेंगे। गाइस मैं झूठ बोलता नहीं, वहाँ से आया यहाँ थूत रगड़ गई और यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ था मैं गंदा तरीके। मेरे भाई लोग कहीं से वीडियो तो बना रहे थे, कहीं चले गए मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरा फ़ोन रास्ते में गिर गया था, तो मेरे को वापस ऊपर जाना पड़ा फ़ोन लेने के लिए। वीडियो बनाना भी रिस्की काम है, तो इसलिए लाइक कर देना भाई साहब। क्या नहीं बनना मैं, ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तो ईजी लग रहा था, पर मैं ऊपर तक पहुँचा, एडवांस वाले में तो घुस गया जो करना चाह रहा था। पापा देख रहे थे, गाली मत देना, तुम्हारा लड़का बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है, स्पोर्ट्स में। अभी चलते हैं बिगनर्स वाले में, मैं तो उतार के चलता हूँ हर जगह पे, जहाँ भी मिलता है वहीं उतार लेता हूँ, मैं नहीं कर रहा मेहनत। भाई ये बिगनर्स वाला है, मैं इसलिए पहले इन दोनों को भेजा इस बार, मैं गिर जाते हैं फिर आते नहीं पीछे से। अरे इस पे मत गिरना बस। तो भाई
अपने आप ये सीधे खड़े हो जाओ, मस्त। मैं देख रहा हूँ ये ना हाफ से है, यहाँ से शर्ट से मैं ऊपर चला गया था वहाँ तक, और यहाँ पे एक दिल्ली का लड़का बेहोश पड़ा था। गाइस हम लंगड़ी पे आ गए हैं। ये तो स्टार्टिंग से कह रहे थे कि भाई मेरे पैसे मत दो मैं बैठ जाता हूँ, पर हमने कहा नहीं जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अभी मैं पहले ऋषभ भैया को भेजूंगा यहाँ से, फिर दीपू भैया को, फिर मैं जाऊँगा। अब आराम से जाना है, आराम से झुक के ओए क्रॉस क्रॉस क्रॉस, नाउ इट्स योर टर्न। आपका पहला टारगेट होना ऋषभ भैया को नहीं मारना है। टक्कर मार दी गाइस, हमारा एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है। आंटी आगे सामने, आंटी हट जा यार, बाय तेरा नहीं। जब भी गिरो ना ऐसे कर लो। ये सिखा रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले तुम्हारी वीडियो बनी है। चलो मैं जाता हूँ। गाइस तुम्हारा भाई फिर से एकदम से नीचे आ गया है और वो ऊपर ही है, और मैं फिर से आके यहाँ पे ये जो गंदी बर्फ़ दिख रही है सीधा उधर से आया, कुत्ते की तरह यहाँ गिर गया। भाई साहब ये करना भी बहुत मुश्किल है, मेरे को लगा था स्केट्स की तरह होता होगा, बट हाँ मैं इतना तो कर पा रहा हूँ कि वहाँ से यहाँ तक आ जाऊँ, तो आई एम हैप्पी। कितना हो पा रहा है? बट स्टार्टिंग में ना इनिशियली जैसे हमारे कुछ $450 लगे, क्योंकि 90 करके टैक्स वैक्स मिला के फिर ग्लव्स भी लिए, तो उससे अच्छा है कि और चले जाओ अगर आपको नहीं आती है तो, क्योंकि भाई थकावट बहुत हो रही है। और ये एस्ट्रोनॉट वाले जूते, इनसे मैं बड़ा परेशान हूँ, और इसमें बर्फ़ भी घुस गई है अंदर, ये देख रहे हो, क्योंकि मैं गिरा इतने गंदी तरीके से हूँ ना। तो अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है भैया आपस में, उन्हीं का प्लान था, वही डिसअपॉइंटेड है कि इससे अच्छा कुछ खा भी लेते। बट हाँ भाई मज़ा बहुत आ रहा है, इन्जॉयमेंट के लिए आ सकते हो, बट कहीं पर पहले सस्ती जगह जाना है हमारी तरह, ये एकदम से महंगी जगह मत आ जाना, कहीं आसपास लोकल एरिया में पहले ट्यूब वगैरह से करके देखना ताकि आइडिया लग जाए कितनी तेज़ आते हो नीचे वीचे। पर भैया बस मेरा हाथ पैर ना टूटे मैं बहुत खुश हूँ, जैसे वो नो एंट्री पिक्चर में सीन होता है ना प्रेम भाई वाला, यहाँ पे किसी को खड़ा कर देता हूँ और फिर प्रेम भाई करूँगा, मज़ा आ जाएगा। पर ये नीचे तो आ जाए पहले, नीचे तक तो आ ही नहीं पा रहे। आ जाओ भाई, लेट्स सेट गो, झुक के थोड़ी कमर झुका के झुका के। गाइस मेरे साथ वो वाला हिसाब हो रहा है, गाड़ी चलानी आती है थोड़ी बहुत, पर ब्रेक लगाने बिल्कुल नहीं आते। तो वापस आके जो मैं गिर रहा हूँ मेरे को दुनिया देख रही है यहाँ पे। भाई आपको क्या हुआ? अरे मैं नहीं कर रहा, अब मैं ऑफिस जाना होता है, हम हाथ पर तुड़वा के रहे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे मैंने पूछा क्या हुआ आपको? अबे नस खिंच गई, वो तो खिंचती रहती है भाई इनकी। ये सिर्फ दो बार आए और आधे आधे रास्ते तक दूसरी बाजू में सीधा नीचे आए, कह रहे अब नहीं कर रहा, और अब हम भी नहीं कर रहे। अरे फालतू में हाथ और टूट जाए, मेरा ये हाथ लाल सा हो गया, छिल गया शायद बर्फ़ से। छिल सकता हाथ? नहीं छिल सकता भाई, छिल गया। पर रुकता कैसे तो ब्रेक लगा दो यार। भाई तुम्हारा भाई कर लाया चेंज, की बोर्ड देके स्नोबोर्ड लिया है, मस्त अब ये करेंगे। भाई साहब इतने झूठे लोग हैं, उसने पहले मैं गया तो उसने कहा मेरे को मतलब $10 पर टैक्सेस देना पड़ेगा, चेंज करना है अगर आपको, तो मैं मना कर आया, मैं कहा ठीक है। तो मेरे बाहर की एम्प्लॉय से बोला, उस लड़की ने एक मिनट नहीं लगाया, कह रही हाँ कर लो जूते चेंज करके आ जाओ, और उसने फ्री में दे दिया। तो कैनेडा स्कैम 2023 मैंने कर दिया है $10 का। अभी इस पर से गिर के दिखाता हूँ आपको ये स्केटबोर्ड से कैसे गिरते हैं। How the Josh? How the Josh brothers? Hi sir. गया। इंसान को पता चल जाता है।
बंद कर दे यार, YouTube वाले गाली देंगे। कह रहा गया गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था सबवे सर्फर साला फील आता है, पर हम चार बार आउट हुए रास्ते में, तो नया गेम शुरू करते हैं। चलिए आइए, मैं ऊपर आजा आजा, चलो आया 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 आ रहा आ रहा आ रहा ये भाई नई टेक्निक है, आपको सिखा रहा है, ये नई टेक्निक से करते हैं स्केटबोर्ड स्नोबोर्ड सॉरी। अरे अरे ये तो फिर से गिर गया, उठ जा उठ जा उठ जा। अरे इसने तो सही कला बनी, अगेन अगेन अगेन। ये बंदा नहीं है, बांध लेना पहले। फिर से आया फिर से करेगा, ये कोई नई टेक्निक से कर रहा है, और ये झाड़ी में जाएगा अबकी बार। ब्रेक लगा लिया सर, नॉट बैड। ये भाई फिर से स्केटबोर्ड पे गिरेगा, अच्छी कोशिश। नाइस ट्राई, अच्छा था, नाइस ट्राई। गाइस जो खतरों के खिलाड़ी बनके दिखाता हूँ आपको, नीचे जाने का एडवेंचर दिखाता हूँ आज। बस ये एक बच्चे हट जाए फिर चलेंगे नीचे। नहीं बन पाएगी वीडियो ये चीज़, हमने अब देखी जब हमने स्की कर चुके हैं। बूमरैंग, ये हमारा बूमरैंग से बनना था, बार बार गिर ही रहते। जगह का नाम ये लिखा हुआ है, इतनी सारी जगहें जहाँ पे आप कर सकते हो, हमारी पता नहीं कौन सी थी। भाई सब मज़ा बहुत ज़्यादा आता है ये सब करने में, बट मैं आपको पहले रिकमेंड करूँगा किसी ट्यूब वाली जगह पे चले जाओ, जहाँ पे वो ट्यूब होता है और वो स्लाइड कराते हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि बर्फ़ पे फिसलने पे किस स्पीड से इंसान आता है। हमारी ऐसी तैसी होगी सबकी, अब घर जाके पता है सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन किसके कहाँ कहाँ गर्म वाला ट्यूब लगाएगा। आपके कहाँ झूठ बोलने रात होते हैं, और शाम के टाइम पे मतलब सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, पर अभी सही लग रहा है। अभी तो अभी पॉइंट ये है कि अभी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए तो हमें गर्मी लग रही है, पर हवा बहुत तेज़ चल रही है। अभी आपको माइक में आवाज़ आई रही होगी हवा की थोड़ी बहुत, तो हवा बहुत तेज़ है। बट हाँ यार, जो भी है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, थोड़ा महंगा लगा बट हाँ एक्सपीरियंस अच्छा था। तो अगर आपको भी ट्राई करो तो पहले किसी सस्ती जगह पर करना, सीधा ऐसे ज़्यादा पैसे खर्च मत करना इन चीज़ों पर, और ये सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, अच्छी है, मतलब मज़ा आता है। और स्टार्टिंग में से हम भी गिव अप कर चुके थे कि यार बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ये वो फला ढंकाना, और फिर एंड में किया तो मज़ा आया। ऋषभ भैया भी करना सीख गया था सही से, और मैं भी सीख गया था, तो सब कुछ सही चल रहा था। तो बाकी इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे ऐसे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए इस व्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। पीस आउट।